नमस्कार। आज का विषय हमारा एक्सेल शीट से रिलेटेड है। छोटे छोटे टॉपिक्स हम एक्सेल के कुछ देखेंगे, पर आज अभी इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम हेडर जो हमारे किसी भी एक्सेल शीट में हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक एक्सेल शीट है जिसमें ये एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जो येलो कलर में है, सीरियल नंबर, नेम और सिटी। ये जो हमारा हेडर है इस पर्टिकुलर शीट में, हम चाहते हैं कि कई सिनेरियो में ऐसा होता है कि ये हेडर हम पेज पे रिपीट करना चाहते हैं। हम चाहें तो एक से ज़्यादा रो भी रिपीट कर सकते हैं। उसका एक्सेल में क्या तरीका है उसको हम देखते हैं। तो चलते हैं, हम एक लाइव एक्सेल शीट खोल लेता हूँ मैं। तो ये हमारी एक लाइव एक्सेल शीट है, इसमें हमारे तीन कॉलम हैं, बहुत सारी रोज़ हैं। रोज़ में मैंने 17 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब देखिए, अगर मैं फ़िलहाल इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूँ, अगर प्रिंट पे जाकर प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, तो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए अभी दिख रहा है मुझे कि फर्स्ट जो हमारा पेज है उसमें 12 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1 to 12 आ रहे हैं, और ऊपर हेडर है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो 13 to 17 रिकॉर्ड आ रहा है, मगर हेडर नहीं है। यानी जो नेक्स्ट पेज में अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ऊपर ये हमारा सीरियल नंबर, नेम, सिटी नहीं आ रहा है। तो हम उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या तरीका है उसका। बहुत सिंपल तरीका है, हमारे पास जो ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें हमको जाना है, हमारा ऑप्शंस में पेज लेआउट का जो ऑप्शन आता है उस पर पेज लेआउट पे हमको जाना है। पेज लेआउट में आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स का। इस प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे पास पॉपअप आएगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, पेज वगैरह जो सेटिंग आप जानते हैं, मार्जिन, हेडर, फुटर। लेकिन अभी हमारा कंसर्न इस शीट वाले से, तो हमको शीट पे जाना है। यहाँ पर काफ़ी एरिया, मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रिंट एरिया, रोज टू रिपीट, कॉलम्स टू रिपीट। तो अभी फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो है रोज टू रिपीट एट टॉप। तो हमें ये जो आइकन दिया हुआ है इस पे हमको क्लिक करना होगा। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी ये ब्लैंक है, और जो भी रिपीट रो करना चाहते हैं, फिलहाल इस केस में मैं सिर्फ सीरियल नंबर, नेम और सिटी चाहता हूँ, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर ये जो यहाँ पे आउटर बार में जहाँ ये एरो बन के आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऊपर यहाँ पर कुछ लिख कर आ गया। इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली इसका मतलब यही है कि टॉप की एक रो जो है हमारी रिपीट होना चाहिए। और बस हमें जो ये दोबारा आइकन आ रहा है इस पे हमको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो पॉपअप में हमको ओके पे क्लिक करना होगा। हमारा जो हमें आवश्यक स्टेप्स करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू से देखने से पहले हमको ये जो ऊपर सेव बटन है या कंट्रोल एस दबाकर भी सेव किया जा सकता है, इसको एक बार प्रेस कर दिया, ये शीट सेव हो गई है। अब एक काम करते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं कि अब क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में आता हूँ। अभी देखिए ये पहले पेज पे तो एग्जैक्टली वही सेम सिनेरियो ही रहेगा, लेकिन जब मैं अब नेक्स्ट पेज पे देखूंगा तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हेडर जो है हमारा रिपीट होने लगा है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है। इसको मैं एक बार प्रिंट करके एक पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। तो हम पीडीएफ खोल के भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। हम क्यूट पीडीएफ राइटर ही रहने देता हूँ मैं, और इसको ओके कर देता हूँ। और सेव की स्क्रीन में मैं इसको अभी डेस्कटॉप पे सिटी नाम से ही सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया है। अब हम डेस्कटॉप पे आते हैं और अपनी ये सिटी वाली जो पीडीएफ है इसको खोल के देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारी खुल गया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे दो पेज हैं, इसमें हमारा ऊपर हेडर है नेचुरली, और सेकंड पेज में भी हमारा हेडर प्रॉपर आ रहा है। अब हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। ये कितने भी पेजेस हों, अगर अभी तो फिलहाल मैंने दो ही पेज रखे थे, अगर इससे ज़्यादा पेजेस होते हैं, 1000 2000, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पेजेस में हेडर रिपीट होगा। अगर मैंने इसी जब हेडर सिलेक्ट कर रहे थे इस रो के साथ मैंने इसको भी ले लिया होता तो ऑटोमेटिकली ये वन तरुण जबलपुर भी हर पेज पे रिपीट हो जाता। तो ऐसे सिनेरियोज में कई बार हमें हम फंसते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलरली हेडर को, हेडिंग को रिपीट करें। तो ये तरीका बहुत आसान तरीका इसमें है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।